खबर गोंडा से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के फोरबिसगंज मोहल्ले में शिक्षक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पहले तीन हमलावरों ने शिक्षक के साथ विवाद किया, मारपीट की और फिर घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या करके मौके से फरार हो गए। दरअसल अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले शिक्षक कृष्ण कुमार यादव गोंडा जिले के इटिया थोक क्षेत्र में जनता इंटर कॉलेज में शिक्षक थे और कोतवाली इलाके में फोरबिसगंज मोहल्ले में अपनी बहन के साथ किराए के मकान में रहते थे। देर शाम जब शिक्षक कृष्ण कुमार यादव घर में अकेले थे, उसी वक्त तीन लोग आए और उनसे विवाद करने लगे। विवाद की वजह से जो है बात ज़्यादा बढ़ गई। पैसों का लेन देन जो है विवाद की वजह बताया जा रहा है, जिसको लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि शिक्षक की हत्या कर दी गई और मौके से फरार वो लोग हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचे और डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंची है और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पुलिस जो है जांच में जुट गई है। जनपद गोंडा थाना कोतवाली नगर, ये मोहल्ला फोरबिसगंज है। यहाँ पर एक श्री कृष्ण कुमार यादव जी जो इटिया थोक में अध्यापक है विश्वविद्यालय में, वो अपनी बहन के साथ किराए घर में रहते थे। कल छोटी बहन जो अध्यापिका है प्राथमिक विद्यालय में, वो किसी परीक्षा को देने के लिए लखनऊ गई थी। इसी दौरान उनके परिचित के कुछ लोग उनके यहाँ आए, उनके साथ मारपीट किया, इससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जो परिजनों की तहरीर प्राप्त हुई है, परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें संदीप यादव जो उनके जानने वाले थे, उसको नामजद किया गया है।